तो नशा करने के पीछे एक ही कारण होता है, अपने तनाव को रिलीज करना, रिलैक्सेशन के मोड में लेकर के जाना और अपने आप को फ्री करना। अब इसका उपाय अगर कम समय हुआ है करते हुए तो इसका बहुत ही साधारण है, उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। उस ये देखें कि वो अकेले में लेता है या किसी के साथ में मिलके लेता है। अगर वो अकेले में ले रहा है तो और भी आसान है, उससे बातचीत करें, इमोशनल सपोर्ट दें और कहें कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तो अकेलापन जब महसूस होता है तो व्यक्ति नशा तक पहुँचता है और नशा से निकला जा सकता है अगर उसे कोई दूसरा नशा दिया जाए। और एक अपनापन का भी एक नशा होता है, एक रिलैक्सेशन का भी नशा होता है, एक मेडिटेशन का नशा होता है, हर एक चीज़ को एक उससे ज़्यादा रश मिलने लगे। और नशा तो टेम्परेरी, थोड़ी देर दारू का नशा, आधा दो चार घंटे पाँच घंटे का नशा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल नशा अगर दिया जाए, मेडिटेशन का, योगा का, जो शुरू शुरू में दिक्कत तो होगा लेकिन बाद में बहुत ही आसान और जीवन सुखद होगा। क्योंकि कहते हैं कि बुरी आदत पड़ना आसान है लेकिन उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी आदत को डालना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, लेकिन जीना बड़ा आसान है। और फिर भी अगर नहीं लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जैसे एक्सपर्ट के साथ मिलें, हम उसे और रूट कॉज एनालिसिस करेंगे और रूट कॉज एनालिसिस करके उसके कौन से ऐसी बात है जिस बात की वजह से वो नशे तक पहुंचा है। एक बार उस बात को, उस ब्लॉकेज को निकाल दिया बाहर से और फिर उसको अच्छी तरह से प्रॉपर काउंसलिंग और फिर माइंड की प्रोग्रामिंग कर दिया जाए तो निश्चित ही नशे से बाहर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।